ये सुरख मिर्चों की, जो साबुत मिर्चें होती हैं सुरख, उनकी चटनी है। और ये फिश है। ये रात का टाइम है, तकरीबन 3:15 का टाइम हो रहा है। ये सुनसान गली है, तकरीबन 3:30 तक का टाइम है अभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हुज़ूर में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग मेरा तकरीबन 3 बजे से शुरू है, तो उस वक्त मैं ओकाड़ा से निकला था, तकरीबन 3:15 का टाइम था। तो सब तरफ खामोशी थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ बोलना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा व्लॉग को जो स्टार्टिंग है वो तो सुबह शुरू करेंगे, तो जो टाइम टेबल है, जो हमारे रास्ते का जो रूटीन रही है, वो आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी शेयर की है मैंने पीछे। तो तकरीबन मैं सुबह 8:15 तक पहुंच गया था। आके थोड़ा सा कुछ आराम किया है, थका हुआ था काफ़ी, तो उसके बाद नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। घर के आने की वजह से कुछ सही तरीके से सो नहीं सका, बस बेचैनी थी घर के आने की। तो ये होती है जब काफ़ी दिनों के बाद घर आना हो, तो नींद अभी भी काफ़ी आ रही है, तो थोड़ा सा भी आराम करने का मूड है। आराम करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए हम गए थे, थोड़ा सा काम था शहर में, और साथ मेरे दोस्त गया था। अभी भी मेरा इरादा था उसके साथ कहीं बाहर जाने का, लेकिन अब्बा जी के साथ हम अपने इधर ज़मीन में आए हैं, क्योंकि ये चाह रहा है इसको स्प्रे वगैरह करानी है, बस वो स्प्रे वाले का इंतज़ार हो रहा है। तो इसको कोई कीड़ी वगैरह लगी हुई है, तो बस अभी नमाज़ पढ़ के फिर सीधा इधर ही आए हैं हम। तो अभी बस उसी का इंतज़ार हो रहा है, जैसे वो आएगा तो स्प्रे करवाएँगे, उसके बाद फारिग हो गए हम। तो लेकिन जो रात की नींद ना पूरी होने की वजह से जो सुस्ती सी है वो अभी तक नहीं ख़त्म हुई है। वो रात को सोएंगे तो थकावट सी उतरेगी, अभी थोड़ी सी सुस्ती सी है। तो बस अभी जैसे आते हैं बस स्प्रे करवाते हैं, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, 2 टंकियाँ लगती हैं इसको, तो जैसे लगेगी तो फिर वापस चलेंगे हम। कितनी टंकी और पई है दोस्तों? ये हो गए 4-5, चार तो पक्की हैं। दाम रखे हैं जनाब, दाम खा ले लांदा पिया। मेरे लिए आम और बड़े साइन इंशाल्लाह। हाँ मशीन ना बंद। पीटे दी बत्ती नहीं? हाँ पीटे दी। पक्की गल है? अच्छा स्प्रे करवा के वापस आए थे, तो जल्दी में घर आना पड़ा, क्योंकि एक छोटा सा काम था मिस्त्री का, वो मिस्त्री भी आया हुआ था, उससे काम करवाया थोड़ा सा। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो अब खाने का टाइम है, बस खाने की तरफ चलते हैं अभी। ये हमारा शाम का खाना है, ये चावल उबले हुए हैं और ये सुरख मिर्चों की, जो साबुत मिर्चें होती हैं सुरख, उनकी चटनी है। और ये साग है, ये रोटी है, और ये फिश है। ये हमारी आज शाम का खाना है मुकम्मल।